भारत में रेल की शुरुआत से अब तक भारतीय रेल ने सदियों का सफर तय किया है। इस बीच रेल तकनीक से लेकर रेल संचालन प्रणाली तक बहुत कुछ बदला, लेकिन भारतीय रेल ने अपने गौरवशाली इतिहास को आज तक संजोए रखा है। इसी कड़ी का एक हिस्सा है रेवाड़ी स्थित भारतीय रेल का स्टीम लोको शेड। इस शेड की इमारत से लेकर यहाँ मौजूद लोकोमोटिव सब दर्शनीय धरोहर हैं। एक समय खंडहर हो चुके ब्रिटिश काल के इस स्टीम लोको शेड को भारतीय रेल ने अपने अथक प्रयासों से फिर से जीवित कर दिया। अब इस स्टीम लोको शेड में आकर लगता है मानो आप रेलवे के शुरुआती दौर में पहुंच गए हों। इस वक्त इस शेड में वर्ल्ड वार के समय के स्टीम इंजन चालू हालत में मौजूद हैं, जिन्हें देख आप उस समय की रेल संचालन प्रणाली का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी में एक है ऐतिहासिक फेरी क्वीन इंजन। भारतीय रेल के अधिकारियों और कर्मचारियों के अथक प्रयास ने इस राष्ट्रीय धरोहर को संरक्षित कर आज की पीढ़ी को इतिहास के अनुभव का एक नायाब मौका दिया है। इसी तरह भारतीय रेल के विकास की संपूर्ण यात्रा का विवरण देता है दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। इस रेल म्यूजियम को 1977 में स्थापित किया गया था, जो आज भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस संग्रहालय में आकर भारतीय रेल की शुरुआत, भव्यता, तकनीकी विकास सब जानकारियां एक ही जगह पर प्राप्त की जा सकती हैं। 18वीं और 19वीं सदी के लोकोमोटिव, कोच, लग्जरी सैलून सब यहां देखे जा सकते हैं। चित्रों और ऐतिहासिक रेल मॉडलों के अलावा यहां आधुनिक रेल संचालन की प्रौद्योगिकी को भी दर्शाया गया है। इस म्यूजियम में अब कंप्यूटराइज्ड रूप में ऑडियो विजुअल इंफॉर्मेशन भी हासिल की जा सकती है। भारतीय रेल सिर्फ परिवहन नहीं बल्कि तकनीकी इतिहास से समृद्ध एक संस्कृति है।